भाइयों और बहनों, कांग्रेस सैनिकों से विशेषाधिकार छीनने पर और देशद्रोह का कानून खत्म करने जैसे विषयों को लेकर जनता के बीच गई, जिसको देश ने ठुकरा दिया है। देश इस बात पर एकमत है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें इस चुनाव में बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान दे रहा है और आप भी देने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है। देश उन लोगों को भी कड़ी सजा देना चाहता है जो सोचते हैं कि सेना में, आप सुन के हैरान हो जाओगे, कर्नाटक में कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है उस मुख्यमंत्री का बयान है, और मेरे आदिवासी भाई, चाहे मेरे दाहोद के हो, जाबवा के हो, धारकार के हो और यहां के हो, मैं इन सबको जानता हूं। ये सुरक्षा बलों में, यूनिफॉर्म की दुनिया में देश की इतनी बड़ी सेवा करते हैं, हम उनका उपकार कभी भूल नहीं सकते। इतना काम करते हैं, मैं सबको जानता हूं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने एक बयान दिया है। ये बयान सुनने के बाद इस देश का कोई व्यक्ति आने वाले 100 साल तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, ऐसा गंदा बयान दिया है। और अभी तक कांग्रेस ने इस बयान से उनका लेना देना नहीं है, ये बोलने की हिम्मत भी नहीं की है। सत्ता का नशा, सत्ता का शौक कांग्रेस के सर पर इतना हावी है कि इतना बड़ा गुनाह है, फिर भी कांग्रेस के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने क्या कहा है मैं बताऊं आपको? बताऊं? बताऊं? उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जीवन में कभी कांग्रेस को वोट मत देना भाई। उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सेना में वो लड़के जाते हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, वो भूखे मरते हैं इसलिए सेना में जाते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे संतानों का अपमान है कि नहीं है? आदिवासियों का अपमान है कि नहीं? वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? ये देश की सेना का अपमान है कि नहीं है? अरे कांग्रेस के चेले चपाटों और उनके साथियों, क्या भाषा बोल रहे हो? अरे मेरा आदिवासी बच्चा जब सीमा पे जाके खड़ा रहता है, वो रोटी खाने के लिए नहीं, वो गोली खाने के लिए तैयार रहता है। वो अपने सपनों के लिए नहीं, वो मेरे देश के सपनों के लिए जिंदगी खपा देता है।